राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सुषमा शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से उनके निवास स्थान समीरपुर में पहुंचकर मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रीय खिलाड़ी ने पूर्व मुख्यमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त किया और उनसे शिष्टाचार भेंट की। पूर्व मुख्यमंत्री ने हिमाचल के इस राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी का अपने घर पर आने के लिए स्वागत किया और उन्हें हिमाचली शॉल एवं टोपी के साथ स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। वहीं जिला भाजपा सचिव विनोद ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में इस हिमाचल की होनहार बालिका ने एशियाई गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। इससे पहले वर्ष 2022 में राष्ट्रीय खेलो इंडिया खेल मुकाबले में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। होनहार खिलाड़ी की शिक्षा राजधानी शिमला से हुई है और प्रदेश विश्वविद्यालय एवं हिमाचल सरकार द्वारा कई बार नगद राशि एवं अन्य पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। वहीं सुषमा शर्मा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से मिलकर उन्हें बेहद अच्छा लगा। हमारे आदरणीय श्री धूमल सर हैं, उनसे मिलकर मतलब बहुत अच्छा लगा। जब मैं वहाँ पे गई उन्होंने बहुत ज़्यादा सम्मान किया मेरा, मुझे टोपी और शॉल पहनाया, मतलब बहुत अच्छा प्राउड मोमेंट था वो मेरे लिए। मैं उनसे मिली और जो उन्होंने मेरे को सम्मान दिया वहाँ पे जाके, वो बहुत अमेजिंग था। मैं सबसे पहले तो मैं जो भी अभी खिलाड़ी तैयारियाँ कर रहे हैं या कोई भी फील्ड है तो वो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करे, काफ़ी आगे तैयारियाँ करे जो भी किसी भी फील्ड में चाहे जा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बात कहना चाहती हूँ वो मैं सबको यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ नशे से दूर रहे और ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। स्पोर्ट्स में एक बहुत अच्छा करियर आपको जो आगे मिलेगा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, क्योंकि जो अब सरकार है वो जैसे श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी और मोदी जी हमारे, वो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को आगे ले जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब जैसे खेलो इंडिया सेंटर है, अलग अलग जिम वगैरह, मतलब बहुत कुछ ट्रेनिंग सेंटर है, बहुत कुछ जो स्पोर्ट्स के बदलाव के लिए वो कर रहे हैं। और मैं जो आजकल के बच्चे हैं या कोई भी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ नशे से दूर रहे, क्योंकि कभी कभी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कोई जैसे 22 या 23 साल के लड़के कोई ऐसे सड़क में पड़े होते हैं तो उनको देख के बहुत ज़्यादा फील होता है, बहुत ज़्यादा दुख हमें होता है। तो मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ नशे से दूर रहे और ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स को ज्वाइन करें और पार्टिसिपेट करें। ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में करियर नहीं है, अगर स्पोर्ट्स में करियर नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। हमें सबको स्पोर्ट्स की बदौलत मिला है, बस।